हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। शहनाज कौर गिल और सलमान खान बीते दिनों काफी ज्यादा खबरों में बने हुए थे फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर। वहीं अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए आपको इस ब्रेकिंग न्यूज के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, अब खबर आ रही है सलमान खान से जुड़ी हुई, ये कि सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यानी कि अब अगर कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग भी होगी तो वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद लिया गया है। मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। ये कदम सिंगर सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद हुआ है। वहीं आपको बता दें कि एक सीक्रेट इंटेल के बाद ये उठाया गया है फैसला। अब सलमान के साथ उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही भी रहेंगे। और तो और, जिस गैंग ने मूसेवाला पर हमला किया था उसी गैंग ने कुछ साल पहले सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी। इसीलिए अब मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह बताया है कि हमने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए उनके अपार्टमेंट के आसपास मौजूद रहेगी कि राजस्थान से गिरोह कोई हरकत ना करे। यानी कि अब जहां भी सलमान जाएंगे उनके साथ उनके सिक्योरिटी के साथ साथ पुलिस फोर्स भी जरूर मौजूद रहेगी। यही ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं। और इसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।